महकमे सेहत ने सरकारी हस्पतालों में तायुनात डॉक्टर्स और मुलाजमीन को प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाज़त दे दी है। लाहौर न्यूज़ ने मुसव्वदे की कॉपी भी हासिल कर ली है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल चौधरी से। बिलाल, आगाह कीजिए। आपको बताते चले कि महकमे सेहत ने सरकारी हस्पतालों में तायुनात होने वाले डॉक्टर्स और तमाम मुलाजमीन को प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाज़त दे दी है और लाहौर न्यूज़ ने मुसव्वदे की कॉपी भी हासिल कर ली है, जो कि लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देखी जा सकती हैं। महकमे सेहत की जानिब से अब अहम इकदाम सामने आया है। सरकारी हस्पतालों में जो भी तायुनात होंगे डॉक्टर्स और मुलाजमीन, वो सब अब प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकेंगे। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल चौधरी से। जी बिलाल, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, महकमा सेहत ने नए तरमीमी एक्ट में सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर और मुलाजमीन को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की इजाज़त दे दी है। अब सरकारी अस्पतालों में तैनात लेबोरेटरी टेक्नीशियन और इमेजिंग डिपार्टमेंट के मुलाजमीन भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकेंगे। लाहौर न्यूज ने तवज्जो की कॉपी भी हासिल कर ली है। महकमा सेहत ने मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट 2018 मंजूरी के लिए जो है वो भिजवा दिया गया है। सूबे की मेडिकल यूनिवर्सिटियों में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तैनाती भी लाजमी करा दे दी गई है। मुतवजे के मुताबिक मेडिकल यूनिवर्सिटियों में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स 7 मेंबरों पर मुश्तमल होगी, जिसमें सेक्रेटरी सेहत और वाइस चांसलर जो है वो इन कमेटियों के मेंबर होंगे। वाइस चांसलर को प्रो वाइस चांसलर को हटाने या मुतबादल लाने का इख्तियार भी हासिल होगा। इसमें मजीद मुतवजे में कहा गया कि मेडिकल यूनिवर्सिटियों के तरक्याती अखराज के लिए फीसों में इजाफे का इख्तियार भी इनको हासिल होगा। मेडिकल यूनिवर्सिटियों के लिए इंफरादी सतह पर मेडिकल टीचिंग फंड का क्याम भी अमल में लाया जाएगा। बोर्ड को एक्ट से हटकर कवानी बनाने का अख्तियार भी हासिल होगा। मुतवजे के मतन के मुताबिक इदारों में तैनात कंसल्टेंट प्राइवेट प्रैक्टिस करने के मजाज होंगे। इजाफी फीसों की वसूली की मामलत भी होगी। कंसल्टेंट को अस्पताल हदूद के अंदर या बाहर क्लिनिक पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने की भी इजाजत होगी। अस्पताल की हदूद में प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले मुलाजमीन डॉक्टर इजाफी तनख्वाह और मराज के अहल भी होंगे। मुतवजे के मुताबिक प्राइवेट मरीज से इमेजिंग सहूलियात लेबोरेटरी कंसल्टेंट फीस की मद में बिल भी वसूल किया जाएगा, जबकि इदारे की फीस से हस्ता मुलाजमीन की कारकर्दगी की बुनियाद पर मखसूस शेयर लेने के भी मजाज होंगे। जी ठीक है। सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर्स और मुलाजमीन अब प्राइवेट प्रैक्टिस भी जारी रख सकते हैं। बिलाल चौधरी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया।